ये सर ब्लैक आलू है, पर्पल कलर में, असल में ये पर्पल कलर है, ये है, इसका नाम है कुफरी नीलकंठ। अच्छा कुफरी नीलकंठ है जो आलू अनुसंधान पटना का रिसर्च है। रेट तो ये 50 रुपये पर लोग पॉकेट में पैसा रख के गए हैं, अच्छा 50 रुपये के लिए। इसमें बेचने के लिए कोई ना है, हाँ क्योंकि इसमें टोटल विटामिन और मिनरल है। इस आलू का आप देख भी सकते हैं, बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन भी है, बहुत अच्छा बैठा हुआ भी है। ये नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। और हमारे साथ है सुरेश जी। सुरेश जी, इनको आपने पिछले भी वीडियो में, कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, चाहे वो इनकी कई सारी करामाती कामों के वजह से ये जाने जाते हैं, जैसे कि ये किस प्रकार से जुगाड़ विधि से ये लो टनल बना करके और उसमें नर्सरी उगाते हैं। ये हमेशा गवर्नमेंट के भी चहेते रहते हैं। गवर्नमेंट के चहेते हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको हर साल जब प्रदर्शनियाँ लगाई जाती है सब्जियों की, जब किसान मेला लगता है, वहाँ पे ये एक दो नहीं कई सारे पुरस्कारों से इनको नवाजा जा चुका है। अभी भी ये पुरस्कृत होकर के आए हैं, वो किस लिए? क्योंकि इन्होंने काली आलू की खेती की, काला आलू इन्हें कई सारे पुरस्कार दिलवा चुका है। तो बिहार के किसान मतलब अपने दिमाग लगा करके और अपने मेहनत के बदौलत जाने जाते हैं, और वैसा कुछ कारनामा इन्होंने किया है। काली आलू की खेती इन्होंने कैसे की, इसके बीज का नाम क्या है, इसको कैसे किसान कर सकते हैं, सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं मनोज, आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि काली आलू ये लगाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये सर ब्लैक आलू है, पर्पल कलर में, असल में ये पर्पल कलर है, ये है, इसका नाम है कुफरी नीलकंठ। अच्छा, कुफरी नीलकंठ है जो आलू अनुसंधान पटना का रिसर्च है। तो ये तो हम नेट वोट से इसको बारे में देखे, और साइंट के कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर के हाट से वैज्ञानिकों को इसके बारे में हमको जानने का मौका मिला। उसके बाद हमने इसको बेगूसराय में एक फार्म हाउस है, उसी से हम इसका सीड लिए हैं। ये ऑर्गेनिक करने के लिए सबसे बेटर है। जो भी हम लोग आलू करते हैं उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा दो ही चीज़ होता है। अच्छा, लेकिन नीलकंठ जो आलू है इसमें टोटल विटामिन और मिनरल मौजूद है। इसके लिए हेल्थ के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और एक बेनिफिट है कि इस आलू में पाला नहीं मारता है। पाला के लिए हम बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं, रासायनिक दवाई का यूज करते हैं, लेकिन इसमें पाला नहीं मारता, इसमें पाला नहीं मारता। इसका उत्पादन बहुत बढ़िया है। इस आलू का आप देख भी सकते हैं, बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन भी है, बहुत अच्छा बैठा हुआ भी है। ये इसका साइज है सुरेश जी, थोड़ा एक आलू थोड़ा सा और दिखाइए। देखिए ये पर्पल कलर का जो आलू दिख रहा है, ये आपको, ये कोई सामान्य आलू नहीं है। और अभी इसका रेट अगर बाजार में बेचना किसान चाहे तो इसका क्या रेट है सुरेश जी? रेट तो ये 50 रुपये पर लोग पॉकेट में पैसा रख के गए हैं। अच्छा। 50 रुपये के लिए, इसमें बेचने के लिए कोई ना है, क्योंकि हाँ। इसमें टोटल विटामिन और मिनरल है। टोटल विटामिन और मिनरल है, जबकि जनरल हम आलू लेते हैं तो उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट दो ही चीज़ होता है, लेकिन इसमें टोटली विटामिन और मिनरल मौजूद है। इसलिए लोग एक इसका कलर जो है आकर्षक है, पॉजिटिव कलर है, इसलिए लोगों का अट्रैक्शन है अभी इसका। अच्छा, और इसको खाने से बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। मार्केट में इसकी हाइप इतनी है कि लोग पहले से पैसा दे करके जाते हैं इस आलू के लिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम इन खेतों में सुरेश जी ने इस आलू का उत्पादन किया है। और इसकी बीज सर्वप्रथम आपने कैसे, कहाँ से मंगवाई आपकी, आपने इसकी बीज को? एक दोस्त के माध्यम से, बेगूसराय एक फार्म हाउस है, वहीं से हमने इसका सीड अवेलेबल करवाया। हम 3 साल से प्रयास के बाद ये सीड हमको मिला है वहाँ से। अच्छा, तो अभी अब लोकली लोगों को, अब मेरे पास बहुत इजी मैंने आसान तरीका से अब लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, लोगों को अवेलेबल हो जाएगा आसान तरीका से। तो इसको आप स्टोर करेंगे या सब बेच देंगे? नहीं, स्टोर करेंगे। अच्छा, तो अगर किसी को ये लोकल या फिर कहीं दूर के भी आदमी, अगर किसी को सीड की ज़रूरत हो तो इनका नंबर मैं हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में अपने स्क्रीन पे इनका नंबर डाल देता हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वहाँ से कॉल करके और इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है, टोटली ऑर्गेनिक में लगा है। ऑर्गेनिक में एक बेनिफिट है कि इसमें पाला नहीं मार रहा है, इस आलू में पाला नहीं मार रहा है। इसमें रेजिस्टेंस वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इसमें इस आलू में बहुत ज़्यादा ताकत है, विटामिन वाला है। अच्छा। इसका डंटी फंटी नहीं जाता, बहुत लंबा टाइम तक इसका रहता है। हाँ, हाँ। इसलिए इसमें दवा ववा का कोई भी जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए सबसे बेटर है, इसको आदमी आसानी से कर सकता है। हाँ।
और आपने ये इनाम आपको कहाँ कहाँ दिलवा चुका है अभी? अभी परमंडलीय स्तर छपरा में जो प्रदर्शनी लगाता था उसमें एक नंबर में इसका सिलेक्शन हुआ आलू का। अच्छा। उसमें हमको इस आलू पर 3,000 रुपया का मतलब कि पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार हम ही को मिला नीलकंठ आलू में। अच्छा, सामान्य आलू की अपेक्षा, सुरेश जी, सामान्य आलू की अपेक्षा अगर इसकी हम पैदावार की बात करें तो कोई अंतर भी है, कोई डिफरेंस? पैदावार नहीं है, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो। अच्छा, मतलब पैदावार इसका ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। हाँ, ये पैदावार में कोई कमी नहीं है। ये है नीलकंठ आलू का कमाल। और अब ये नीलकंठ आलू बिहार में लगभग किसान इसको, इसकी खेती करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं। बिहार के किसान वैसे काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड तो होते ही हैं, एग्जाम्पल आपको सुरेश जी दिख ही रहे हैं, लेकिन और भी किसान चाहते हैं कि हाँ हम ऐसी खेती करें, चाहे काली आलू की हो गई, इन्होंने तो अभी जो ब्रोकली लगाई है, या फिर लाल गोभी का फूल हमने देखा, अभी पीला गोभी का फूल देखा, ये सब चीज़ किसान को उत्साहित भी करती है। एक किसान को देख करके दूसरा किसान और भी करना चाहता है। आपका संदेश किसानों के प्रति क्या है इसकी खेती करने के लिए? हमारा संदेश है किसानों को कि नीलकंठ करेंगे तो अच्छा उनको मुनाफा मिलेगा। कहने का मतलब है कि आदमी बीमार क्यों पड़ता है, अच्छा खाना नहीं खाता इसलिए बीमार पड़ता है। तो जनरल आलू के बदले ये किसान लोग करें, कम से कम अपने लिए करें, इसको यूज करें। इसको यूज करने से क्या होता है कि हमारा जो पैसा दवा में चाहे इन्वेस्ट हो रहा है वो नहीं होगा। वाकई में ये जो नीलकंठ आलू है आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हालांकि थोड़ी सी मिट्टी भी लगी हुई है, अगर इसको पूरी तरह से साफ कर दिया जाए, आपको मैं दिखा दूं कि ये कोई कलर नहीं है, ये आपको यहाँ पे ज़्यादा कस के मसल देने पे ये छिलका हट जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल पर्पल कलर की ये आलू है। और इसका स्वाद भी अन्य आलू से डिफरेंट होता है या फिर वैसे ही लगता ना, है? स्वाद कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, स्वाद में ज़्यादा शुगर फ्री है, शुगर बहुत मिनिमम है इसमें। अच्छा, शुगर वाले इसको आराम से जीओ में खा सकते हैं, शुगर फ्री है। और यहाँ पे जैसे कि इन्होंने लगाया हुआ है, ये काफ़ी कम दूरी पे लगाया है, क्योंकि इनको और भी बहुत सारे सब्जी वर्गीय फसलें लगानी होती है। ये प्रदर्शनी में हर साल अपने फसल को बेचते हैं, किसानों को प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान ऐसी खेती करें, इसका लाभ उठाएं। बाकी आपको ये ब्लैक आलू जो पर्पल कलर का है, इसको ब्लैक गोल्ड के भी नाम से आजकल मार्केट में लोग कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी इसका नाम रखा गया है, शुगर फ्री है। ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक इनके नंबर पे जो स्क्रीन पे हमने दिया है उस पे कॉल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।